लेकिन लिखने वाले कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है प्यारे, जो माँ हम लोगों को जन्म देती है, नौ माह गर्भ में माँ हमें झूला सा झुलाती है, उंगली पकड़कर वही माँ हमें चलना सिखाती है, नजर न लग जाए वो काला टीका भी लगाती है, तीनों लोगों का सुख निछावर है माँ के एक एक बोल पर, जब हमारी माँ हमें बेटा कहकर बुलाती है। लेकिन आज उस माँ की हालत, उस पिता की हालत, जिसने अपनी समस्त जिंदगानी को हमें पढ़ाने लिखाने में और हमारा लालन पालन करने में निकाल दिया, आज उनकी हालत क्या है, कहाँ है? सब खुद खत्म हो जाए, काम तो वास्तव में खत्म नहीं होगा। जो पुत्र बुढ़ापे में आकर जो पुत्र बुढ़ापे में आकर माँ बाप को ठुकराते हैं, वो नहीं चैन से रहते हैं, दर दर की ठोकर। जो पुत्र अपने माँ बाप को दुख देगा, अपने माँ को अपने बाप को सताएगा, ये मेरा मानना है, ये शास्त्रों का मानना है, ये ऋषि मुनियों का कहना है, वो कभी घर में चैन से नहीं रह सकता है, उसके यहाँ कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकती है। लेकिन आज हालत क्या है? जिनने मोह के खिलाए निवाले, जिस माँ बाप ने अपने मुंह का निवाला निकाल कर बेटे के मुंह में दे दिया, खुद भूखी सो गई, लेकिन कभी बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। जिनने मोह के खिलाए निवाले, आज उनको नहीं है निवाले। जिनने मोह के खिलाए निवाले, आज उनको नहीं है निवाले। और प्यारे, जिस कोठी में तू रहता है, जिनने तुझको बना कर दिया घर, आज तो तूने घर से निकाले, जिनने तुझको बना कर दिया घर, आज तो तूने घर से निकाले। दिया घर, आज वो तूने घर से निकाले। और प्यारे, जिनने अनमोल जीवन दिया है, प्यार जी भर के तुझसे किया है, जिनने अनमोल जीवन दिया है, और बेटे प्यार जी भर के तुझसे किया है, फिर रहे बहुत दोनों अब मारे मारे, दुखी अंदर से कितने
अपना जिया है, फिर रहे दोनों अब मारे मारे दुखी अंदर से कितना जिया है। और प्यारे खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं वो तर तर की ठोकर, खा रहे हैं हाँ खा रहे हैं वो तर तर की ठोकर, सोचते कोई हमको बचा ले, खा रहे हैं वो तर तर की ठोकर, सोचते कोई हमको बचा ले। जिसने पिलाया वो माँ दूध इस तन का जिसने पिलाया, लेके गोदी में जिसने खिलाया, दूध इस तन का जिसने पिलाया, लेके गोदी में जिसने खिलाया। जिस माँ ने अपने स्तन का दूध तुझे पिलाया, तेरी भूख शांत की, तेरी प्यास शांत की, लेकिन आज दूध इस तन का जिसने पिलाया, लेके गोदी में तुझको खिलाया, और अब तुझसे पहले निकलते थे आंसू, तुझसे पहले निकलते थे आंसू, दर्द से जब भी तू बिलबिलाया, तुझसे पहले निकलते थे आंसू, दर्द से जब भी तू बिलबिलाया, लेकिन जिस माँ ने अपने स्तन का दूध पिलाया, जिस बाप ने अपने मुंह का निवाला खिलाया, आज उनकी हालत इस बेटे ने क्या की है। वो तरसते हैं, वो तरसते हैं, वो तरसते हैं, हाँ वो तरसते हैं, वो तरसते हैं एक बूंद जल को, वो तरसते हैं एक बूंद जल को, पी रहा है तू मदिरा के प्याले, वो तरस रहे हैं एक बूंद जल को, पी रहा है तू मदिरा के प्याले। हर शास्त्र, हर वेद, हर ऋषि, हर महर्षि, हर ज्ञानी, हर लेखक, हर गायक एक ही शिक्षा देता है, और वो शिक्षा क्या देता है, ये क्या है, एक मंदिर है, मंदिर में एक मूरत है, ये क्या है, एक मंदिर है, मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है, ये मूरत कैसी होती है, माँ की सूरत जैसी होती है, हर मूरत माँ की सूरत से मिलती जुलती होती है,
हर देवी हर देवता माँ की सूरत से मिलता जुलता होता है। गोपाल भैया आपने ये धुन धुन जब बोल दी है तो हमारे अतरौली वालों का ये गीत बड़ा ही क्या बात बढ़िया चला था किसी टाइम पर। अरे वो क्या है वृंदावन है वो क्या है वृंदावन है वृंदावन में वृंदावन है के मेरे श्याम की जलती ज्योति है वृंदावन के अंदर के मेरे श्याम की जलती ज्योति है और वहां राधे राधे गीत की तीसरी लाइन इशारा करती है और वो कहती क्या है तेरे हंसने पे हंसते हैं दोनों वो माँ और वो तेरा पिता तेरे हंसने पे हंसते हैं दोनों तेरे रोने पे रोते हैं दोनों अगर तेरे पेट में तेरी छाती में तेरे सर में तेरे हाथ में कहीं भी दर्द हो जाए सारी रात उस माँ को नींद तक नहीं आती है वो सो नहीं सकती है कभी मालिश करेगी कभी तेल लगाएगी कभी दवा खिलाएगी कभी पानी पिलाएगी कभी दूध पिलाएगी सारी रात नहीं सो सकती है। हंसते हैं दोनों तेरे रोने पर रोते हैं दोनों और तेरे जगने पर जगते हैं दोनों तेरे जगने पर जगते हैं दोनों और तेरे सोने पर सोते हैं दोनों आज वो दोनों हाँ आज वो दोनों आज वो दोनों आज वो दोनों जग में दुखी हैं आज वो दोनों जग में दुखी हैं तेरे मुँह पे लगे हैं क्यों ताले आज वो दोनों जग में दुखी हैं तेरे मुँह पे लगे हैं क्यों ताले गीत के अंत में लिखने वाले ने बड़ी अजीब लाइन डाली है और मुकेश भैया लाइन क्या है धीर जग में न कोई धरैया कोई तेरी धीर नहीं धरेगा कोई तुझे पूछने वाला नहीं है कोई तुझे अपनी शरण में लेने वाला नहीं है चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो शंकर हो या विष्णु भगवान हो या गणेश हो या स्वयं आदि शक्ति माता लक्ष्मी हो कोई तो ये पूछने वाला नहीं है लेकिन क्यों धीर कोई न जग में धरहिया राम क्या सीता क्या क्या कन्हैया धीर जग में न कोई धरैया राम क्या कृष्ण
किया, देवता भी कृपा सब करेंगे। खुश रहेंगे पिता और मैया, जितने भी देवता हैं सब तेरे ऊपर कृपा करेंगे। हर देवता की तेरे ऊपर छत्र छाया होगी, कृपा का हाथ होगा। और स्वागत है हमारे अखिलेश भाई का, देवता भी कृपा सब करेंगे। खुश रहेंगे पिता और मैया, लेकिन खुश कब रहेंगे? बनके कलयुग में, हाँ बनके कलयुग में, कलयुग बनके कलयुग, हाँ कलयुग बनके कलयुग में, बनके कलयुग में, बनके कलयुग में गोपाल सरवन, बनके कलयुग में गोपाल सरवन, कावर कांधे पर की उठावे, बनके कलयुग में गोपाल सरवन, कावर कांधे बिहारी लाल की।